हेलो व्यूअर्स, मैं हामिद एक बार फिर से आपका बजीज बर्ड्स केयर गाइडलाइन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, आज मॉर्निंग का टाइम है और मैं आया हुआ अपने बर्ड्स को जो है ना पानी देने के लिए और उनको दाना यूज़ कराना है। आज उनको मैं एक सॉफ्ट फूड देने वाला हूँ जो कि जो है ना गर्मियों का होता है, समर का होता है, तो उसी के ऊपर आज की मेरी वीडियो होने वाली है। थोड़ी सी डाइट के ऊपर होगी और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। इसी के ऊपर ये आज की पूरी वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं बजीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है और जैसा कि इंसानों की डाइट में चेंजेस आ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे जो है ना जो ठंडी डाइट है वो लेना शुरू कर रहे हैं, ग्रीन फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर रहे हैं। वैसे ही मार्केट में बहुत सारे ग्रीन फ्रूट अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स को भी अब जो है ना जितनी ठंडी से ठंडी चीज़ें हो सके प्रोवाइड कराना शुरू कर दें, ताकि उनको जो है ना आदत पड़ जाए ठंडी की, ज़्यादा गर्मी होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रखें। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है ना उनको गर्म से, मतलब जो ठंडे फूड हैं, अभी तक की हमारे जो पास सीड हम उनको यूज़ करा रहे थे वो गर्म शीट थी, लेकिन अब हमें अपने बर्ड्स के लिए ठंडी शीट यूज़ करानी है, मतलब जो उसमें कुछ गर्म चीज़ें हैं उनको कम करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो जो है ना नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँगा। अभी क्या है कि अभी जो है ना मैं अपने बर्ड्स को, मतलब अभी तक की जितने भी टाइम से मैं अपने बर्ड्स को रखे हुए था ठंडी में, उनको जो है ना मैं जो फूड यूज़ करा रहा था वो जो है ना गर्म थे, सब गर्म तरीके से उनको यूज़ करा रहा था फूड, लेकिन अब जो है ना उनको ठंडे तरीके से फूड यूज़ कराना है। जैसा कि अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने जो है ना गेहूँ को रात में तकरीबन जो है ना भिगो दिया था, वही करीब 9 बजे मैंने जो है ना गेहूँ को रख दिया था भिगोने के लिए, और जो है पूरी रात वो भीगे हैं और वो अब एकदम फूल गए हैं, यानी कि इनके खाने लायक हो गए हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे ठंडी में, हम जो है ना गेहूं को उबाल के देते थे, ताकि जो है ना उससे उनको जो हीटनेस मिले, उसकी तासीर जो गर्म हो जाती थी, लेकिन ठंडा करने से इसकी तासीर जो है ना ठंडी हो जाती है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने उनको भिगोया हुआ है और अभी मैं अपने बर्ड्स के लिए उनको खाने को रखूँगा, ठीक है। होता क्या है कि मतलब जो है ना आपको, मतलब जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपको एकदम ही से अपने बर्ड्स को पूरा फुल्ली उस डाइट पर नहीं लाना चाहिए। जैसे ठंडा दे रहते हैं फिर एकदम ही से उनको गर्म डाइट नहीं देनी चाहिए। अगर आप एकदम ही से उनको जो है ना, मतलब सब दाना वाना निकाल दो और जो है सिर्फ जो है उनको, मतलब गेहूं जो है भिगो करके उनको दो, इससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स को जो है ना मोशन लग सकते हैं, दिक्कत होने लगेगी उनको, क्योंकि अचानक से उनके जो खाना है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा बताता हूँ कि मैंने इसको भिगोया है और कैसे देना है, किस तरह से देना है। व्यूअर्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है ना थोड़े से गेहूँ हैं और मैंने इनको तकरीबन रात में 9 बजे जो है ना पानी में डाल दिया था ग्लास में करके। ये भी बहुत थोड़े से हैं, इसलिए हैं कि जो है ना हमें अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ये नहीं यूज़ कराना है, थोड़ा थोड़ा करके उनकी मतलब बॉडी को आदत पड़े इस तरह से देना है। आपको दाना भी रख देना है उसके अंदर और ये भीगे हुए गेहूं भी आपको जो है ना थोड़े से उसके अंदर रख देने हैं, ताकि जो है ना जो हमारे बर्ड्स हैं वो एकदम ही से मतलब ऐसी डाइट पे ना आए, ताकि जो है ना उनको मोशन ना लगे या और भी कोई दिक्कत उनको ना हो। इसीलिए हम अब ये देखिए, मैंने इसको भिगोया हुआ है और बहुत ज़्यादा ये गंदा पानी हो गया है जैसा कि आपको दिख रहा है। हमें इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद में फिर जो है ना हम इसको निकालेंगे और अपने बर्ड्स को देंगे। ये एक तरह का बहुत ही अच्छा फूड है हमारे बर्ड्स के लिए और हमें अपने बर्ड्स को जो है ना यूज़ कराते रहना चाहिए, मतलब जो है 2 दिन में 1 बार तो आप ज़रूर दे दें इसको, जिससे कि जो है ना आपके जो बर्ड्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मतलब अभी विंटर में हम लोग क्या कर रहे थे कि मतलब इनको उबाल करके दे रहे थे, ठीक है। लेकिन आप उबाल करके नहीं देना है, अगर आप बहुत ज़्यादा उबाल करके इनको कंटिन्यू देते रहोगे ना
तो कुछ टाइम तक तो आपके बर्ड्स को खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही आपके बर्ड्स को जो है ना दिक्कत होने लगेगी। मतलब उसको मोशन लग जाएंगे अचानक से, या वो जो है ना इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, फूला पूरा फूल करके बैठ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से अगर आप अपने बर्ड्स को जो है ना बचाना चाहते हैं तो आप करें ये कि जो है ना इसको मतलब भिगो करके दें, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, और वॉश करने के बाद में अपने बर्ड्स को खाने के लिए दूंगा इनको। ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे बर्ड्स के लिए, लेकिन जो है ना मतलब इसको क्योंकि कॉलोनी में है तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो जो है ना आराम से जो है ना इतना सा उन लोगों के लिए बेटर रहेगा, वो आराम से जो है इसको खा लेंगे। थोड़ा टाइम तक ही खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो चलते हैं, हम इसको जो है ना अपनी कॉलोनी के अंदर रख देते हैं। रिवर्स, मैंने काफ़ी टाइम से अपने बर्ड्स को जो है ना वायरल यूज़ नहीं कराई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 3 दिन जो है ना मैं अपने बर्ड्स को वायमरल भी यूज़ करा दूँ। वायमरल एक मल्टी विटामिन है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि हमें अपने बर्ड्स को क्यों देना चाहिए, क्या इससे बेनिफिट होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसके ऊपर पूरी मेरी वीडियो है। तो आप जो है ना अगर मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के मेरी वीडियो को देख लें। बाकी जो है ना मैं वाटर में वायमरल अपने बर्ड्स को जो है ना देने जा रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं जो है ना हर लगता है बहुत थोड़ी सी मछली इसको पकड़ो, ऐसे फोन पकड़ो, थोड़ी सी बस 0.25 ml है, ये जो है ना तकरीबन 2 कप पानी है, और उसके अंदर मैं ये अपने बर्ड्स को यूज़ कराऊंगा। तकरीबन जो है ना उनको दूंगा मैं 3 दिन तक की, 3 से 4 दिन। हाँ रखो, इधर और इधर इधर इधर, हाँ बस बस यहीं पर रख दो। ये व्यूअर्स जो है ना गेहूँ रख दिए, और मैं अपने बर्ड्स पानी इधर साइड में रखो ताकि जो है ना ये पानी गंदा ना करें, इधर किनारे साइड में, किनारे साइड में रखो, और हाँ और बस 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 जो इस पानी हमेशा जो है ना ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे आपके बर्ड्स जो है ना बैठे ना। ये देखिए ये स्टिक लगी हुई है, और ये थोड़ा सा साइड में, थोड़ा और साइड में कर दो पानी, इससे जो है ना होगा क्या कि जब आपके बर्ड्स जो है ना इस पे डाल पे आके बैठेंगे और वो जो है ना ज़्यादा लेटरिन वगैरह करते हैं, जो इनकी पॉटी होती है वो पानी के अंदर जाकर के गिरती है, और इससे क्या होता है कि आपके बर्ड्स को जो है ना बहुत सारी बीमारियां लगती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें जो है ना आपके बर्ड्स को होने लगती हैं। एक्चुअली मैं बर्ड्स मेरे इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी दाना इसमें से निकाला नहीं था, और इन्होंने जो है ना सुबह ही दाना खा लिया है, लेकिन कुछ बर्ड्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो अभी आ जाएं, ये देखिए खाने के लिए।
मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं बजीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।